शेरी पुत्र दरवाजा खोल, देख हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तू मेरा सोना मिठा बच्चा है ना बेटा, जिद तो तूने की थी ना, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना तो हम सब यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे, और तू हमारी चिंता मत करना, हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे, तू ही अकेला रह जाएगा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, नहीं तो जा रहे हैं हम लोग। दरवाजा खोलो ना जी, प्लीज खोलो ना। सिमरन पुत्र, कल तक तू सिर्फ हमारी पड़ोसन थी, आज इस घर की बहू हो गई है ना बबली? हाँ मम्मी जी, और नई नवेली दुल्हन का वेलकम तो रह गया मम्मी जी, मैं अभी जाके ना पूजा की थाली लेकर आती हूँ। चल चल मैं भी चलती हूँ। बेटा अभी आए। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। खुश रहो। रुक जाओ। इस घर में मेरे बेटे ने मेरे स्वाभिमान की परवाह नहीं की, मेरे पिता ने मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, अर्थात मेरा होना ना होना किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं पद्दू पद्दू
बाबूजी, दद्दू, बाबूजी, दद्दू, बाबूजी, बाबूजी, इन्हें ऊपर लेकर चलिए। आ जा सिमरन, ये देख, हर जगह सिर्फ तू ही तू है, देखा? बचपन से लेकर आज तक कमल वीजी ने तेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल कम नहीं हुए तेरे पीछे। तू भी उनसे उतना ही प्यार करना और तुम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाना, है ना? ओए होए, देखो कैसे शर्मा रही है कुड़ी। मैं अभी वीरजी को अंदर भेजती हूँ, ठीक है? डॉक्टर को फोन लगाओ। आराम से। I'm sorry, दद्दू, सब मेरी वजह से हो रहा है। Don't be sorry, बट्टू, तेरा दद्दू बिल्कुल फिट है यार। कुछ नहीं हुआ मुझे, ड्रामा कर रहा हूँ मैं, तेरे बाप का ड्रामा रोकने के लिए। हेलो, जी डॉक्टर अंकल को फोन दीजिए ना प्लीज। प्लीज जल्दी बुला लीजिए उन्हें। प्लीज। अरे दद्दू ठीक है, आई मीन ठीक हो जाएंगे। He's a strong man. राहुल, दद्दू को हार्ट अटैक आया है, मोच नहीं। अरे मेरे दद्दू एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सीने पे न्यूक्लियर अटैक झेले, ये तो फिर भी हार्ट अटैक है। ओए, ये फिट है, तू फिट है। राहुल बेटा, माना तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इतनी जल्दी कंजूस होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। डॉक्टर को फोन लगाओ, पैसा बाबूजी से बड़ा नहीं है बेटा। मम्मी, डॉक्टर साहब, आप लोग पीछे हटिए। डॉक्टर साहब आइए, देखिए, चेक कीजिए। एक मिनट, यहाँ बैठिए। अब बाबूजी को चेक कीजिए, क्या हुआ इन्हें? दिल में बहुत दर्द, गड़बड़ है। दद्दू यार, अब तो सच में अटैक लाना ही पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर तो एक सेकंड में पकड़ लेगा और पापा को सच सच बता देगा, वो तो इनके दोस्त भी हैं ये। अरे जब तेरे बाप को पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक का ड्रामा उसकी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए किया था, तो या तो मुझ पर अटैक करेगा या उसे हार्ट अटैक आएगा। अब यार कैसे संभालूं सिचुएशन को? पहले से ही मुसीबतें क्या कम थी कि एक और आ गई है। कैसे करेंगे राहुल और दादा इसकी भरपाई, और क्या करेंगे अटल जब उनके सामने दादा की सच्चाई आएगी? अटल, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जैसा तू सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, और जैसे हमारे तेरे पिताजी के बारे में सोच थी वो गलत थी। क्या क्या मतलब है आपका? वो अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि बाहर से तो वो हष्ट पुष्ट नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल गड़बड़। उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, ट्रिपल स्पीड, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, फड़ फड़ फड़, ऐसे ही उनके दिल की धड़कन फड़फड़ा रही है। अभी तो मैंने उनको दवाई दी थी है, वो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार अगर कोई टेंशन हुआ तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत बुरा हुआ डॉक्टर अंकल, मेरे दद्दू ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी तो बच जाएंगे,
लेकिन अब अगर टेंशन हुआ तो बचना बहुत मुश्किल है। नहीं, बाबूजी कौन? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मेरे कारण ही आपकी ये अवस्था हुई है। आप हृदय के नाथ हैं और आप ही के हृदय पर इतना बड़ा आक्रमण हो गया, सिर्फ मेरे कारण ही आपका हृदय आपके नियंत्रण में नहीं रहा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मैं अपना पुत्र धर्म ठीक से नहीं निभा पाया। यार ये तो सचमुच इमोशनल हो रहा है। चल बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया। धन्यवाद बाबूजी। लेकिन बेटा सिर्फ पुत्र धर्म ठीक से नहीं निभाने के लिए माफ किया है, अब पितृ धर्म निभाने में अभी भी बहुत गड़बड़ है। आ बच्चों, अटल बेटा पिता का धर्म निभा और इन दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख दे। अटल बेटा, एक अच्छा बेटा होने की तरह एक अच्छे बाप का फर्ज भी निभा बेटा। मेरे लिए इतना नहीं करेगा? तुमने तो पुत्र धर्म की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा। लेकिन एक पिता के रूप में तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तू यार, वैसे थैंक यू सो मच। पितृ धर्म को तो पता नहीं, लेकिन आपने दद्दू धर्म बहुत अच्छे से निभाया है। क्या टाइम एक्टिंग करते हो? एक्टिंग? आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। थैंक यू यार, थैंक यू। वैसे आपने डॉक्टर को कैसे बताया? अरे कुछ राज ही रहे तो अच्छा है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अटल को ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये ड्रामा था, वरना वो सिर्फ मेरे हृदय पर नहीं सबके हृदय पर अटैक करेगा। अरे प्रीत बेटा, क्या हुआ? इधर आ। दद्दू, आपका इरादा तो नेक है, लेकिन रिश्तों में झूठ बोलना? देख बेटा, अगर झूठ बोल के किसी का फायदा होता है तो वो झूठ नहीं, और वैसे भी झूठ और सच से बहुत आगे होता है प्यार। अगर मेरे इस झूठ बोलने से अटल और राहुल के रिश्ते में सुधार आता और तुझे अटल से पिता का प्यार मिल जाता है, तो मैं ऐसे एक झूठ नहीं हजार झूठ बोल सकता। मैं भी मतलब बाबूजी, इसका मतलब है कि जब तक राहुल के पिता राहुल को पूरी तरह से माफ नहीं कर देते, आप उनसे झूठ बोलते रहेंगे, है ना? बहू ऐसा नहीं है, वो बात ये फिर कभी फुर्सत में समझाऊंगा। अच्छा, फिलहाल हमको यह याद रखना है कि इस ड्रामे का अटल को बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, वरना समझ जाओ क्या करेगा मेरा अटल।
कमल वीर जी जाओ, सिमरन वेट कर रही है आपका। जाओ कमल वीर जी, इतनी देर हो रही है, जाओ जाओ ना वीर जी। हेलो जी, सिमरन जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपका गला खराब है, मैं दवाई लेके आऊं? मैं वहां पे आ जाऊं। ओके मैं आता हूं। वो क्या है ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है तो मैं कंबल लेके आता हूं। ऐसे ही है कंबल, क्या बात है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सिमरन जी मैं सच कहूं, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं हवा खा के आता हूं। सिमो जी आप पैसे मत कीजिए प्लीज। अरे ओ मिस्टर कमल चोपड़ा, आज से आप और हस्बैंड और वाइफ हैं। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है जी, लेकिन सब की आदत नहीं है ना, तो मुझे शर्म आ रही है। शर्मा क्यों रहे हैं आप मिस्टर कमल चोपड़ा, शर्माने वरमाने वाली क्या बात है। एक काम कीजिए, आप एक रोमांटिक सा गाना सुना दीजिए, माहौल थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रिलैक्सिंग आइडिया है जी, मैं कोशिश करता हूँ। वही वाली है, वही सेम फीलिंग आ रही है जो आठवीं कक्षा में आई थी। और जी वही सेम फीलिंग आ रही है जो आठवीं कक्षा में आई थी। अरे वही सेम फीलिंग। काश हमारी शादी पापा की मर्जी से होती, पर ऐसा हुआ नहीं और अब वीर जी मुझसे बहुत नाराज हैं। प्रीत तब तो पापा का आशीर्वाद हमें मिल नहीं जाएगा ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जब तक वीर जी को मना नहीं लेता, जब तक उनका दिल जीत नहीं लेता, जब तक पापा का आशीर्वाद नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सिमरन जी तो मेरा साथ दोगी ना?
हम आशीर्वाद लेके रहेंगे, हम उनका दिल जीत कर ही रहेंगे। राहुल और कमल ने अपनी महबूबा के दिल तो जीत लिए, लेकिन रूठे हुए दिलों को जीतना बाकी है। शादी के बाद मियां बीवी के बीच सुनहरे दिन आते हैं, लेकिन यहाँ मुसीबत के मौसम खत्म ही नहीं हो रहे। शायद इसलिए गालिब ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.